हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंड्रॉइड स्कूल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक न्यू टूल बताने वाला हूँ जो कि पिछले वीडियो में मैंने जो टूल बताया था उससे सिमिलर है। ओके, पिछली वीडियो में हमने देखा था आईपी ट्रेसर नाम का टूल जो कि आईपी को ट्रेस करने का काम कर रहा था, तो वही सिमिलर टूल है। बस इसमें कुछ नए फीचर होंगे जो कि आपको मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसका नाम है आईपी ड्रोन जो कि न्यूब हैकर्स द्वारा बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लोगो वगैरह मतलब। ओके, यहाँ पर डिजाइनिंग वगैरह अच्छी की है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, मैं आपको बताता हूँ इस टूल के बारे में। तो आईपी ड्रोन इज सिंपली पाइथन स्क्रिप्ट, तो ये पाइथन में बना टूल है विच कैन बी यूज्ड अप लुकअप टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टारगेट आईपी। तो किसी पर्टिकुलर टारगेट की आईपी की इंफॉर्मेशन और लुकअप करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ओके, तो आप इसको नॉन रूटेड या रूटेड दोनों पे चला सकते हैं, मतलब अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, तो ये अवेलेबल ऑन टर्मक्स है। ओके, टेस्टेड भी किया है इसने टर्मक्स पर। ओके, यार कुछ रिक्वायरमेंट्स है, पहला तो इंटरनेट चाहिए आपको, सेकंड 400 स्टोरेज चाहिए, पर इतना भी नहीं लगेगा, मिनिमम चाहिए। ओके, उसके बाद पाइथन लगेगा जो कि हम इंस्टॉल करने वाले हैं, और इसमें कुछ फीचर दिए गए जो कि न्यू फीचर्स है। देखो, रियल लाइव लोकेशन आपको ये बताता है, अपडेटेड मेंटेनेंस, आईपी लुकअप करवाता है, और इजी फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पर जो भी इंस्टॉलेशन है और जो भी कमांड लगेगा वो सारे यहाँ पर दिए हैं, आप इस यहाँ पर देख कर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका यूजेस भी दिया हुआ है, तो ये कमांड लाइन है, और जो हमने पिछले वीडियो में देखा था वो टूल में कमांड लाइन और मेन्यू टाइप दोनों थे। तो मेन्यू मोड में बहुत इजी होता है, आप मेन्यू डाल के डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं किसी भी आईपी के बारे में। ओके, तो यहाँ पर स्कैन का ऑप्शन आता है जो कि आपके आईपी को स्कैन करेगा। ओके, स्कैन फ्रॉम ऑप्शन यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग आईपी लोकेशन, वही दिया हुआ है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दिए हुए हैं, हमको देख सकते हैं, बहुत अच्छे स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पर इसका खुद का वीडियो भी है जो भी आप देख सकते हैं, पर मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में सब कुछ इंस्टॉलेशन और यूजेस, अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, आप इसको देख के भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलो टर्मस में चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो हर बार की तरह हम इसको क्लियर करेंगे और एक बार अपडेट करेंगे जो कि आपको हर बार डालना है। अपडेट मैं एंटर करूँगा। ओके, इंटरनेट पे डिपेंड करेगा भाई। चलो अगले कमांड देखते हैं कौन से कमांड यूज़ करने वाले हैं। तो हमने पहली कमांड तो डाल दी अपडेट की, आप ये जो नेक्स्ट कमांड है वो भी डाल सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं, हाँ भी हमें ये कमांड डालनी पड़ेगी, उसके बाद ये कमांड डालनी पड़ेगी। ओके, और उसके बाद ये कमांड गिट इंस्टॉल की, आपको बता दूँ इस कमांड से पाइथन इंस्टॉल होगी, इससे पाइथन 2 इंस्टॉल होगी, और उसके बाद इससे गिट जो कि हमने पहले से कर रखी है पर आपने नहीं किए तो कर लेना, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद ये कुछ पीआईपी के मतलब पाइथन के मॉड्यूल से जो अगले कमांड्स इंस्टॉल कर रहे हैं वो भी हमें लगेंगे, और उसके बाद जो मेन कमांड है वो है गिट क्लोन की, जिससे ये टूल हमारे टर्मस में आ जाएगा। चलो टर्मस में जाते हैं और एक एक कमांड ट्राई करते हैं, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। और हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे पाइथन को, जो कि मुझे लगता है मेरे पास पहले से ही होगा क्योंकि पिछले बार एक वीडियो एक टूल था जिसके लिए देखो पाइथन इंस्टॉल है, जिसके लिए मैंने इसको इंस्टॉल किया था। तो वह हम इंस्टॉल करेंगे पाइथन 2 को। तो पाइथन और पाइथन 2 सेम नहीं है, ये इसका अलग अगला वर्जन है। ओके, यहाँ पर मैं फिर इंस्टॉल पाइथन 2 करूँगा। ओके, ये भी इंस्टॉल है। ओके, कोई बात नहीं, आपको कर लेना है। ओके, इसके बाद हम करेंगे इंस्टॉल गिट को, मेरे पास गिट पहले से ही, पर आपको मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह मतलब वर्क करता है कमांड। ओके, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं गिट इज़ ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन। ओके, मतलब ये पहले से ही अवेलेबल है, तो अगर आपके पास नहीं है तो ये बहुत लंबी प्रोसेस लेगा, मतलब लंबी नहीं तो शॉर्ट प्रोसेस में इंस्टॉल हो जाएगा, पर इंस्टॉलिंग की प्रोसेस यहाँ पर दिखाएगा जो कि मेरे यहाँ नहीं दिखाई है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही टूल है। तो हमने पाइथन कर लिया, पाइथन 2 कर लिया और गिट भी कर लिया। तो चलो यहाँ पर उन्होंने कुछ मॉड्यूल दिए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉलकेट और रिक्वेस्ट, जो भी हम अभी इंस्टॉल कर लेते ताकि बाद में तकलीफ ना आए इंस्टॉल करने वक्त। तो यहाँ पर हम पीआईपी का यूज़ करेंगे, पीआईपी एक पाइथन का मतलब इंस्टॉलर है, पैकेज इंस्टॉलर, पैकेज मैनेजर भी कह सकते हैं आप। ओके, पीआईपी इंस्टॉल। ओके, लॉल किट, मुझे लगता है स्पेलिंग गलत होगी, ट्राई करते एक बार चेक कर लेते स्पेलिंग क्या है इसकी। सॉरी, लॉल कैट है। यहाँ पर इसको हम कंट्रोल सी से, एक सेकंड, यहाँ पर हैंग नहीं हुआ है पर कोई प्रॉब्लम। ओके, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, हमारी कमांड गलत थी, पी आई पी इंस्टॉल।
लॉल कैट ओके, यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। देखो कलेक्टिंग लॉल कैट कर रहा है और छोटा सा पैकेज ओके हो चुका है। तो हम अगली कमांड डालेंगे जो कि हमें इंस्टॉल करनी है, रिक्वेस्ट नाम का मॉड्यूल। ओके पी आई पी इंस्टॉल रिक्वेस्ट आर यू क्यू यू यस ओके, यहाँ पर ये भी जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा। ओके यहाँ पर क्या कह रहा है, कुड नॉट फाइंड अ वर्जन ऑफ सेटिस्फैक्शन रिक्वायरमेंट। ओके यहाँ पर कुछ मुझे लगता है एरर है और इसके पास मेरी या मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है मालूम नहीं, सॉरी यहाँ पर रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है इसको मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ बहुत। ओके इसको मैं फिर से क्लियर करता हूँ जल्दी से, आपको बस कमांड सही से डालना है बस, उसके बाद ये फटाक से इंस्टॉल हो जाएगा। ओके ओके देखो ये इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम इसको क्लियर करते हैं और जो हमारी मेन कमांड है उसको कॉपी करते हैं। ये कमांड आपको पता होगा ये कैसे वर्क करते हैं, मैंने बताया भी है पिछले कुछ वीडियोस में और इस पर स्पेशल वीडियो भी है जो कि टर्मस के कोर्स में मैंने बताया है। ओके यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और अब मैं करूँगा एंटर। ओके तो ये क्लोनिंग स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी देर में ये क्लोन कर जाएगा। ओके हो चुका है, अब हम मैन्युअली इसको करते हैं क्लियर करते पहले, और हम यहाँ पर एलएस डालेंगे जिससे जो सारे फाइल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। देखो आई पी ड्रोन नाम का फोल्डर दिख रहा है, हम डालेंगे अब सीडी और उसके बाद फोल्डर का नाम, जिससे हम आई पी ड्रोन के अंदर चले जाएंगे, मतलब उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। अरे यहाँ पर हम फिर से करेंगे एलएस ओके एंटर, तो देखो इसके अंदर जो भी फाइल्स है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो अब हमें हर बार इधर यहाँ पर परमिशन देनी पड़ेगी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सी एच एम ओ डी प्लस यक्स। ओके तो हमें परमिशन देनी है अब किस फाइल को, तो यहाँ पर ये दोनों फाइल कुछ काम के नहीं, जो कि लाइसम है और यहाँ पर रीडिंग की फाइल है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल है आई पी ड्रोन नाम की पाइथन की, तो इसको हमें परमिशन देना पड़ेगा। हमने डाल दिया नाम उसमें और अब आपको करना है एंटर, और अब भी फिर आपको करना है येल एस। ओके देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका कलर ग्रीन हो चुका है, ओके मतलब इसको परमिशन मिल चुकी है। तो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं और फिर येल एस करेंगे। ओके तो अब ये जो फाइल है मेन फाइल, इसको हमें रन करनी पड़ेगी आई पी ड्रोन को रन करने के लिए, लॉन्च करने के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में सिर्फ कैसे लॉन्च करना है, यूजेस हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथन का यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले इंस्टॉल की थी, और पाइथन का यूज़ करके रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पाइथन से भी रन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजेस आई पी ड्रोन डॉट पी वाई, तो इसने बता दिया कि आपको कैसा यूज़ करना है। आपको सिर्फ इतना नहीं डालना है, पाइथन आई पी ड्रोन पी वाई नहीं डालना है, इसका यूज़ करने के लिए आपको वहाँ पर उसके आगे ऑप्शंस भी डालने हैं। तो आप पहला ऑप्शन है डैश सॉरी माइनस एच, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी हर बार की तरह, और माइनस वी और उसके बाद टारगेट, इस तरह आपको डालना है। तो यहाँ पर इस पाइथन से तो हमने रन कर लिया, तो चलो एक बार पाइथन टूल से भी रन करके देखते हैं और क्या डिफरेंस है। ओके नहीं, पाइथन टू से ये रन नहीं होगा, तो इसको क्लियर करते फिर से एलएस करते, तो अब हम यहाँ पर पाइथन से ही इसको रन कर सकते हैं। ओके तो ये इस तरह रन हो जाएगा, और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसको यूज़ कैसे करना है। आपको यहाँ पर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जिससे आपको समझ में आए। ओके पर मैं आपको समझा दूंगा, अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका यूज़ कैसे करना है प्रैक्टिकली आपको। तो चलो इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं।